गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर मैं आज आपके सामने डेवऑप्स का लेक्चर नंबर 31 लेके, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंसिबल। बेहद इंपॉर्टेंट और दिलचस्प टॉपिक होने वाला है। एंसिबल के बारे में कई सारे लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि सर आप ऑलरेडी शेफ पढ़ा चुके हैं, जो कि एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, तो आप दूसरा क्यों पढ़ा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि कई जगह पे शेफ इस्तेमाल होता है और एंसिबल क्योंकि इन कंपैरिजन टू पपेट एंड शेफ काफी नया है, तो उम्मीद यही है कि मैक्सिमम इंडस्ट्री आने वाले वक्त में एंसिबल पर भी जाएगी, तो बेटर होगा कि आपको एंसिबल भी पता हो। तो मैं बिल्कुल बुनियादी बात आपको बता देता हूं सबसे पहले कि एंसिबल क्या है। अगेन ये एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। समझ आ रही है बात? तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल से मतलब क्या है, कौन मुझे बताएगा? शेफ, जिन्होंने बड़े ध्यान से पढ़ा है वो जरा अपने दिमाग पे वीडियो को रोक के जरा जोर दे लें कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के बारे में मैंने क्या क्या बातें बताई थी। जिन्हें नहीं पता, मैं आज उसको दोबारा से थोड़ा सा रिकैप करूंगा, दोबारा से थोड़ा सा आपको याद दिलाऊंगा कि भैया इसमें हम क्या करते थे। यार देखे, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल की हमने बड़े डिटेल में बात की थी जब मैंने शेफ का पहला लेक्चर आपको पढ़ाया था। इसका मतलब क्या है अगर आप लोग भूल गए तो अभी आपको याद आएगा मेरी बातों से, आप रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का मतलब था, यार हमारे पास क्या होता था, एक ऑर्गेनाइजेशन का सिनेरियो मैंने आपको समझाया था, जहां मैंने बताया था कि एक बंदा होता है हमारे पास जो सिस्टम एडमिन की तरह काम करता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। और इस बंदे का काम क्या था सिस्टम एडमिन का, इसका काम यह था कि इसके पास इसकी कंपनी में जितने भी सर्वर हैं, चाहे वो 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, इसे उनको मैनेज करना होता था। यानी सिस्टम को मैनेज करने वाले को सिस्टम एडमिन हम लोग कहते थे। अब सपोज करें इसके पास 10, 20, 50 सर्वर हैं, तो इसे उनके ऊपर लिनक्स इंस्टॉल करना है या उबंटू इंस्टॉल करना है, उसके बाद इसे कुछ और अपडेट करना है, इसे सर्वर पे कुछ नए पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, तो वो सारा काम किसका होता था, सिस्टम एडमिन का। किसकी आईपी क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, कहीं कोई इशू तो नहीं आ गया, कनेक्टिविटी ब्रेक तो नहीं हो गई, सारा कुछ सिस्टम एडमिन करता है। यानी एक नेटवर्क को मैनेज करना और डिवाइसेस को मैनेज करना, ये सिस्टम एडमिन का काम था। अगर मैं मोटे तौर पे कहूं तो आप ये कह सकते हैं कि जितने भी सर्वर हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन कौन देखता है, सिस्टम एडमिन देखता है। शेफ में मैंने सारी चीजें डिटेल में बताई हैं, इसीलिए यहां मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो लोग एंसिबल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या ये मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनसे अगर वो इसके बारे में, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल के बारे में ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं, तो पहले वहां मेरा शेफ वाला फर्स्ट लेक्चर देख ले, क्योंकि वो बेसिक बातें भी मैं बताऊंगा जो मैंने वहां बहुत डिटेल में बताई हैं, क्योंकि वो फिर रिपीटिशन हो जाएगा। बट कुल मिला के जो हमारा सिस्टम एडमिन होता है वो ये काम करता है कि एक कंपनी के जितने सिस्टम है या जितने सर्वर हैं उनको मैनेज करता है। तो अब इसी चीज को, ये जो सिस्टम एडमिन कर रहा है ये काम कर रहा है मैन्युअली, क्योंकि ये बंदा तो मैन्युअली करेगा, ये मैन्युअली सब पे अपडेट करेगा, सब कुछ करेगा, तो हो सकता है इससे गलतियां हो जाएं, क्योंकि जब हम मैनुअल काम करते हैं, खुद से काम करते हैं, तो गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसी काम को हमने अब ऑटोमेट कर दिया है, मैनुअल की जगह अब हमने इस काम को ऑटोमेट कर दिया है, ऑटोमेशन यहां पे लगा दिया है। ऑटोमेशन का मतलब यह है कि अब ये सारा काम अपडेट करने का, ये सब करने का, एक डिवाइस या एक टूल अपने आप करेगा। और उसके लिए हमारे पास जो टूल्स अवेलेबल हैं उनमें से एक है एंसिबल। इसके अलावा अगर टूल्स के नाम आपसे मैं पूछूं तो आपने कौन से नाम बताने हैं, आपने बताना है शेफ भी एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल होता है, आपने बताना है पपेट भी एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। पपेट भी क्योंकि काफी पुराना हो चुका है तो अभी हम इसकी, मैंने इसको आपको नहीं पढ़ाया है। शेफ मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया और आज मैं आपको एंसिबल बताने जा रहा हूं। दोनों में बुनियादी फर्क क्या है शेफ और एंसिबल में, जो इंटरव्यू में आपसे अगर इंटरव्यूअर पूछे तो सबसे पहले जो आपने बताना है वो ये बात बतानी है, शेफ जो होता है वो पुल करता है, पुल आप कह सकते हैं, जो उसका प्रोसेस होता है वो पुल का प्रोसेस होता है, और जो एंसिबल होता है वो पुश करता है। पुल और पुश क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, हालांकि शेफ में भी मैंने बताया था, यहां पे मैं रिपीट करूंगा। तो शेफ में पुल किया जाता है, पुल से मतलब क्या है और पुश से मतलब क्या है, इसे सिर्फ आप ऐसा समझें कि यहां पे मेरे पास जो सर्वर होगा वो सारे डिवाइसेस पे पुश करेगा एक नोटिफिकेशन कि आपने ये अपडेट करना है। जबकि जब पुल वाला प्रोसेस होता है, पुल वाला प्रोसेस इसमें क्या करता है, ये शेफ जो है, जो मेरा क्लाइंट है, वो खुद जाता है सर्वर के पास और पूछता है आपके पास कोई नोटिफिकेशन आया है क्या, कुछ अपडेट पड़ा हुआ है क्या, अगर अपडेट है तो मुझे ला के दे दें। ये कुछ ऐसा है कि एक दफ्तर में दो तरह के बंदे हैं, एक बंदा ऐसा है जो बड़ा ही लेजी है, उसके पास हमें जाना पड़ता है, हम कहते हैं भाई
उठ जाओ, ये वाला काम बोला है बॉस ने, ये काम कर लो। एक बंदा होता है वो बड़ा एक्टिव होता है, वो खुद ही बॉस के पास जाता रहता है, सर कुछ काम तो नहीं आया मेरे करने लायक, या कुछ काम तो नहीं है जो मुझे करना है। तो दो तरह के बंदे इंडस्ट्री में आपको मिलते हैं। अब आप कहेंगे सर तो कौन सा बंदा बढ़िया है, जो लेजी है वो बढ़िया है या जो एक्टिव है वो बढ़िया है? देखें अब ये तो इंडस्ट्री में, अब मैं मेरे ख्याल से तो जो बंदा लेजी है, कुछ कर ही नहीं रहा फिर भी तनख्वाह पूरी मिल रही है तो ज्यादा मजे तो वही ले रहा है ना। तो जो एंसिबल है ये ऐसा ही लेजी टाइप का बंदा है, और एक्चुअली में ये इसीलिए मार्केट में अपनी जगह बना रहा है और पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि ये पुश नोटिफिकेशन पे या पुश प्रोसेस पे काम करता है, ये खुद पुश करता है जब जरूरत है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, ओवरहेड बढ़ जाते हैं, बंदा बार बार जा रहा है सर कोई काम तो नहीं आया, सर कोई काम तो नहीं आया। इससे बेहतर यह यार जब काम आए तो खुद बता दो ना आप मेरे को, मैं काम आया हुआ है मैं कर दूंगा उस काम को। आप खुद ही लॉजिकली सोचेंगे कौन सा प्रोसेस अच्छा है, खुद हर बार जाना और उनसे कहना कि सर कोई काम है तो बता दें, या इससे बढ़िया ये है कि उनके पास जब काम आए तो वो मुझे बता दें ताकि मैं कर दूं काम को। तो ये प्रोसेस यहां पे हो रहा है। एंसिबल की हिस्ट्री पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि एंसिबल इन कंपैरिजन टू अदर टूल बेहद इजी है, बहुत आसान है, और इसीलिए मैं कहता हूं प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंसिबल जिस दिलचस्प प्रोग्रामिंग को या आप कह लें स्क्रिप्ट को यूज करता है वो YAML होती है, YAML। इसमें हम इस स्क्रिप्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, और ये इतनी आसान है, इतनी आसान है कि इसको वो बंदा भी समझ सकता है जिसने जिंदगी में प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी। इसीलिए ऐसे टूल्स को आज की डेट में हम ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं जिसपे कोई भी बंदा काम कर सके, जिसमें टेक्निकल या बहुत ज्यादा हाई एंड नॉलेज की जरूरत ना हो, कोई बेसिक बंदा भी जिसको नेटवर्किंग आती है, आईपी का कॉन्सेप्ट पता है, बेसिक बातें पता है, वो इसको कर सके। क्योंकि YAML इतनी इजी स्क्रिप्टिंग है कि ये ऐसा लगेगा कि हमारी बोलचाल की भाषा है, बिल्कुल इजी है। नॉर्मल वर्ड आपने लिखने हैं, आपने होस्ट लिखना है कि भैया ये मेरा होस्ट है, ये मेरी लोकेशन है, या व्हाटएवर जो भी आपने लिखना है, आपने बिल्कुल बेसिक भाषा में लिखना है, ठीक है। ये एक्चुअली की पेयर पे काम करता है, मैं दोबारा यहां कुछ बेसिक बातें अभी आपको बता रहा हूं। YAML जो है वो की पेयर पे काम करता है, ठीक है, डिटेल में जाएंगे हम। तो एंसिबल आपको समझ आया, ये एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, पुश पे काम करता है, यानी इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पुश मैकेनिज्म पे काम करता है, ये पुल मैकेनिज्म पे काम करता है, और एंसिबल पुश मैकेनिज्म पे काम करता है। एंसिबल इन कंपैरिजन टू शेफ और पपेट नया है, और ये अभी रेड हैट ने इसको 2015 में टेक ओवर कर लिया, रेड हैट इसको अभी सारा कुछ देख रहा है इसका, और रेड हैट ने इसका एक बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट आप जीयूआई इंटरफेस लेके आया जिसका नाम है एंसिबल टावर। एंसिबल टावर आप इसके बारे में देख सकते हैं। तो अभी रेड हैट ने एक नया अपना टूल लॉन्च किया हुआ है जिसका यूजर इंटरफेस बहुत इजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप आपको करना है, प्रोग्रामिंग की भी जरूरत नहीं है वहां पे, मतलब कमांड लाइन की भी जरूरत नहीं है, उसे एंसिबल टावर कहते हैं, और इसकी मेरे ख्याल में 10,000 के आसपास कॉस्ट है एनुअली और एंटरप्राइज के लिए, और वहां पे वो 100 नोड तक आप मेरा ख्याल है मैनेज कर सकते हैं उस कॉस्ट में। तो एंसिबल टावर इनका आ गया है, तो वो उसमें यूजर इंटरफेस है। नॉर्मल एंसिबल अगर हम जो चलाएंगे, जो अभी मैं लैब में करके दिखाऊंगा, सारा कुछ कमांड लाइन के थ्रू आपको करके दिखाऊंगा, बेहद आसान होने वाला है। तो आई होप एक पिक्चर आपके मायने बन गई होगी कि हमने क्या करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बेसिक डेफिनेशन से शुरू करता हूं और धीरे 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 एंसिबल में डीप डाइव करना शुरू करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब जरा एंसिबल की स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लें जो विकिपीडिया की है, कि एंसिबल इज एन ओपन सोर्स आईटी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ये साफ साफ लिखा हुआ है, ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, ठीक है। तो ये बात आपने भूलनी नहीं है कभी, ये आईटी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, डिप्लॉयमेंट और ऑर्केस्ट्रेशन के काम आता है। ये ऑर्केस्ट्रेशन टूल क्या होता है ये हम आगे डिटेल में बात करेंगे। इट एम्स टू प्रोवाइड लार्ज प्रोडक्टिविटी गेन्स टू अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑटोमेशन चैलेंजेस। तो भैया ये मैं हमेशा से कहता हूँ, ऐसी डेफिनेशंस अगर हमें समझ आती तो फिर हमारी जरूरत क्या थी। तो ठीक है, इन्होंने जो लिखा है बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें लिखी हैं, देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं आपको बुनियादी बातें बताता हूँ। बुनियादी बात यह है कि एंसिबल एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है जिसकी हेल्प से अगर 10, 20, 50, 100 सर्वर पे एक साथ मुझे कुछ भी करना है, सपोज मुझे सारे सर्वर पे उबंटू इंस्टॉल करना है, या सारे सर्वर पे कोई एक पैकेज जो है वो इंस्टॉल करना है, सारे सर्वर पे कोई एक अपडेट भेजना है, तो मैं वो सब पे एक साथ कर सकता हूं, मुझे मैन्युअली एक एक करके नहीं करना पड़ेगा। एक ऐसा तरीका जिससे सारे सर्वर एक साथ कंट्रोल किए जा सके, मैनेज किए जा सके, तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल हमारे पास होता है।
कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है, मैं आपको बड़े अच्छे से बता चुका हूँ, शेफ वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि एक डिवाइस के अंदर जो भी सारी चीजें हैं उसका रैम मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, उसमें स्टोरेज कितनी वो इस्तेमाल कर रहा है, सॉफ्टवेयर कौन कौन से पड़े हुए हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं, क्या है आईपी एड्रेस क्या है, ये सारी उस डिवाइस की क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब है उस चीज को अपडेट करना, डिलीट करना, ऐड करना या कुछ और करना, इस तरीके के काम करना, उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये काम अगर कोई टूल करता है तो उसको कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। आई होप बात समझ आ गई होगी। एक और दिलचस्प बात दिमाग में आ गई, बता देता हूं आपको, कहीं कोई नहीं बताएगा आपको, एंसिबल का मतलब क्या है। देखो सुनने में अच्छा लगता है एंसिबल, लेकिन हम कभी इसकी गहराई में नहीं जाते कि एंसिबल का मतलब क्या है। यार बड़ा लॉजिकल मतलब है, ठीक है, बड़े दिलचस्प मतलब है इस वर्ड का। ये एक फिक्शन, एक लिटरेचर फिक्शन था, मेरे ख्याल से 1980 के आसपास लिखा गया था, उस किताब के अंदर इस अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था, एंसिबल। एंसिबल से मुराद क्या है, मतलब क्या है, इससे मतलब ये है कि एक ऐसी डिवाइस, ये एक तसव्वुर आप इमेजिनेशन थी उनकी, कि एक ऐसी डिवाइस जो कि तारों के दरमियान, दो तारे अगर हैं मेरे पास तो, या आप ये कहें मैं जमीन पर हूं और मैंने तारे से बात करनी है, तो एक ऐसी डिवाइस जो मैं यहां बोलूं और तारे पे सुनाई दे जाए, यानी चांद पे सुनाई दे जाए, बिना किसी डिले के, बिना किसी डिले के अगर मेरे और चांद के दरमियान कम्युनिकेशन हो जाए, दैट इज नोन एज अ एंसिबल। मतलब एक डिवाइस हम ऐसी बनाए, उस डिवाइस को उन्होंने नाम दिया था, वो नाम था एंसिबल। उन्होंने कहा एंसिबल एक ऐसी डिवाइस है जो दो तारों के दरमियान भी बात करा देगा बिना किसी डिले के, कोई डिले नहीं होगा, या जमीन और चांद के बीच में, जमीन और जुपिटर के बीच में, हम पृथ्वी पे हैं, अर्थ पे हैं, और जुपिटर के बीच में हम कम्युनिकेशन करा दे बिना किसी डिले के, ऐसी डिवाइस का उन्होंने वहां पर जो नाम दिया था वो एंसिबल दिया था। तो वही डिवाइस को यहां पर, उसी नाम को यहां पर इन्होंने इस्तेमाल किया। किसने इस्तेमाल किया, माइकल देहान ने, ये इसके डेवलपर थे, इन्वेंटर कह लें आप, इन्होंने बनाया था इस एंसिबल टूल को, इनके साथ और इनके दो तीन दोस्त थे। तो माइकल देहान ने डेवलप किया था एंसिबल 2012 में, ठीक है, उस टाइम इसका नाम भी एंसिबल वर्क कुछ करके था, अभी एंसिबल इंक हो गया। तो माइकल देहान ने इसको 2012 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, 2015 में रेड हैट ने इसको खरीद लिया और इसके फिर एंटरप्राइज वर्जन्स मार्केट में आ गए। जैसा कि मैंने बताया एंसिबल टावर जो है वो रेड हैट बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है कि आप इसे इस्तेमाल करें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल के लिए, और आने वाले वक्त में एंसिबल काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका होगा। अभी भी काफी सारी कंपनीज इसको इस्तेमाल कर रही है, ऑल्दो ये काफी कम है इन कंपैरिजन टू शेफ एंड पपेट। अभी भी लोग शेफ पपेट को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि वो पुराने हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत बेहतर है। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि भैया एंसिबल ज्यादा पॉपुलर है, या बातों बातों में भी कोई आपसे पूछे, तो ऑफ कोर्स एंसिबल उतना पॉपुलर नहीं है जितना कि शेफ या पपेट है, इसीलिए मैक्सिमम ट्रेनिंग सेंटर में वो पढ़ाए जाते हैं, एंसिबल की बात नहीं की जाती। क्यों? इसके पीछे कई सारे रीजन है। पहला, इनके पास अभी कस्टमर्स कम है। तो यार देखें, जब कस्टमर कम होंगे तो ऑफ कोर्स आप उस पर रिसर्च उतनी नहीं करोगे। रिसर्च आप तब करोगे जब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, जब आपके पास कस्टमर ज्यादा हो जाएंगे। तो अभी कस्टमर बेस कम होने की वजह से इनकी रिसर्च एंड आरएनडी, जिसे हम कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो थोड़ा सा कम है। दूसरी बात, इसकी कम्युनिटीज बहुत कम है, हमें इसके बहुत ज्यादा टूल्स अवेलेबल, मतलब इसके बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस नेट पे नहीं मिलते हैं, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन आपको इसकी बहुत डिटेल में नहीं मिलेगी जितनी शेफ की अवेलेबल है या पपेट की अवेलेबल है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इसको पढ़ना या इसके बारे में सीखना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि नेट के ऊपर इसकी लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है आज की डेट में। थोड़ा सा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, फ्यूचर इसी का है नो डाउट, क्योंकि ये एक पुश मैकेनिज्म पे काम करता है, बहुत इजी है इन कंपैरिजन टू शेफ या पपेट। शेफ पपेट को सीखने के लिए कहीं ना कहीं आपकी अच्छी प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग पे नॉलेज होनी चाहिए, रूबी आना चाहिए आपको शेफ के लिए, बट यहां कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान है ये, इसीलिए इसके आसान होने की वजह से फ्यूचर इसी का है, ऑलवेज रिमेंबर। चलिए, तो माइकल डेहान ने इसको बनाया, रेड हैट ने इसको 2015 में खरीदा और उन्होंने इसके एंसिबल टावर नाम का एक प्रोडक्ट भी लॉन्च किया हुआ है जो बहुत पॉपुलर है, ठीक है। Ansible is available for Red Hat Enterprise Linux, Debian, CentOS, Oracle Linux, और ये विंडो के लिए भी अवेलेबल है। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है और कई जगह पे ऐसा लिखा है कि Ansible को विंडोज के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता या कॉन्फ़िगर नहीं किया जा सकता, बट मैं आपको बता दूं कि Ansible नेटिवली जो लिखी गई थी वो पाइथन में लिखी गई थी, यानी Ansible जो लैंग्वेज, सॉरी Ansible जो टूल बनाया गया है बैकएंड पे पाइथन में बनाया गया है, तो ये
बहुत इजी है, YAML के साथ बहुत अच्छा चलता है, दैट इज ओके. बट विंडो के लिए भी इन्होंने पावर शेल पे इसको बनाया हुआ है. तो पावर शेल स्क्रिप्ट पे भी इन्होंने विंडो के लिए डेवलप किया हुआ है. Ansible अवेलेबल है और ये विंडोज को भी सपोर्ट करता है या कन्फिगर कर सकता है. बट हमेशा लिनक्स ही प्रेफरेबल होता है. कंपनी में लिनक्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं मैक्सिमम जगह पे, और वहां उसके साथ इसकी कंपैटिबिलिटी सुपर है, बहुत अच्छी है. पर विंडो का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा, विंडो कॉन्फ़िगर आप कर सकते हो. आप जैसे SSH के थ्रू एंसिबल को करोगे, ऐसे ही विंडो पावर शेल के थ्रू भी आप कर सकते हैं, विंडोज पावर शेल के थ्रू. दैट इज नॉट एन इशू. चलिए आगे चलते. Can use this tool whether your server are in on-premises or in the cloud. इस tool का इस्तेमाल आप अपने on-premises servers के लिए भी कर सकते हैं, और जैसा कि मैं आपको lab में दिखाऊंगा AWS के servers पे करके, तो obvious सी बात है कि cloud पे पड़े हुए servers को भी इससे manage किया जा सकता है. तो ये एक दिलचस्प बात है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ Ansible, Chef के साथ भी है ये common बात है. Chef भी जो है cloud पे भी कर सकता है, on-premises पे भी कर सकता है. It turns your code into infrastructure. तो इसीलिए, क्योंकि आपको पता है configuration management tool जो होते हैं वो क्या करते हैं, convert करते हैं infrastructure को code में. ISC कहते हैं infrastructure as code, यानी जैसा infrastructure चाहते हैं वैसा code में लिख दीजिए, ये उसको अपने आप convert कर देगा, configure कर देगा, device में वो सारी चीजें install कर देगा जैसी आप उस पर चाहते हैं. इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, infrastructure as code, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा चाहिए वैसा कोड लिख दो और उसको रन करा दो, हम आपके लिए वो काम कर देंगे. बिल्कुल सही बात है जी. It turns your code into infrastructure, that is your computing environment has same some of the same attributes as your application. तो ये वही बात हो गई. तो आई होप एक ओवरऑल आपको आइडिया मिल गया. अब इससे आगे की बात कर लेते हैं. अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि भैया शेफ के अंदर और Ansible में क्या बुनियादी डिफरेंस है, या आप ये कह लें कि Ansible का आर्किटेक्चर कैसा है. तो वो बेहद बुनियादी और बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार आपको वो समझ आ गया तो फिर आगे Ansible में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना. तो पहले मैं आपको शेफ का थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ कि शेफ में हम क्या करते थे. देखिए, शेफ के अंदर हम सबसे पहले एक वर्क स्टेशन बनाते थे जिसको हम कहते थे शेफ वर्क स्टेशन. आपको याद होगा, और नहीं याद है तो यार आप बादाम बादाम खाएं, मैं फिर क्या बोलूं आपको. शेफ वर्क स्टेशन आप बना लें. इसके बाद आपने क्या करते थे, आप एक शेफ सर्वर बनाते थे. याद है, आप वहां पे शेफ सर्वर भी इंस्टॉल करते थे, आप एक शेफ सर्वर बनाते थे. उसके बाद आप बनाते थे अपने नोड, ये आपके नोड्स थे, या आप अपने सर्वर कह लें जिनको आपको कॉन्फ़िगर करना है, तो उन्हें आप यहाँ पे क्या कहते थे, नोड्स कहते थे. नोड वन, नोड टू, ये वो सर्वर है जिन्हें आपको कॉन्फ़िगर करना होता था. तो बेसिकली यहाँ पे तीन चीजें होती थी इस पूरे सिनेरियो में. सेफ वर्क स्टेशन पे हम क्या करते थे, जो भी काम करना है, जो भी कोड लिखना है, जो कुछ भी करना है, वो हम वर्क स्टेशन पे करते थे, सर्वर पे कभी नहीं करते थे. सर्वर पे तो हम इसे पुश करते थे नाइफ के थ्रू, याद है आपको. तो यहाँ पे हम क्या बनाते थे, यहाँ पे हम हमारा कोड लिखते थे जिसको हम कहते थे रेसिपी. याद है शाही पनीर की रेसिपी सिखाई थी मैंने आपको, याद है ना, क्या भूल गए सब कुछ. तो यहाँ पे मैं रेसिपी बनाता था. अब रेसिपी बनाने के बाद मैं क्या करता था, मैं उस रेसिपी को यहाँ पे भेजता था नाइफ के थ्रू. नाइफ आप एक कह लें कि कमांड लाइन टूल है, कमांड लाइन इंटरफेस टूल है, जिसके थ्रू हम क्या करते थे, इस रेसिपी को यहाँ पहुंचा देते थे सर्वर के ऊपर, ठीक है. और रेसिपी डायरेक्ट नहीं जाती, रेसिपी हमारी किस में जाती थी, रेसिपी हमारी कुकबुक में जाती थी. हम पहले कुकबुक क्रिएट करते थे, और कुकबुक्स के अंदर जो है हम एक रेसिपी बनाते थे या एक से ज्यादा रेसिपी बनाते थे, और उसको फिर हम हमारे शेफ सर्वर पे अपलोड कर देते थे. जब वो शेफ सर्वर पे अपलोड हो जाती थी, उसके बाद हम क्या करते थे, शेफ सर्वर का कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते थे सारी नोड्स के साथ, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, बूट स्ट्रैपिंग करनी पड़ती थी. अगर आपको याद हो, बूट स्ट्रैपिंग करके हम सर्वर को नोड के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कराते थे. और यहां पे आपको याद होगा एक ओहाई होता था, ओहाई ये एक काइंड ऑफ डेटाबेस होता था जिसमें इसकी सारी करंट कॉन्फ़िगरेशन पड़ी हुई होती थी, कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, इस नोड का नाम क्या है, इस नोड में कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं, वो सारी चीजें यहां पड़ी होती थी, उस सॉफ्टवेयर का वर्जन क्या है, ये सारी चीजें ओहाई के पास होती थी. लेकिन यहां पर आपको एक एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ता था जिसको हम कहते थे शेफ क्लाइंट.
तो शेफ क्लाइंट आपको सब जगह इंस्टॉल करना पड़ता था, और यही वो क्लाइंट है जो पीरियोडिकली यहां जाएगा सर्वर के पास और बोलेगा आपके पास कोई नई चीज तो नहीं आई है, कोई नया अपडेट तो नहीं आया है, अगर आया है तो मुझे दे दो। अगर आया होता था ये उसे उठाता था, यहां लेके आता था और खुद पे अपने आप कन्फिगर कर लेता था। तो ऑटोमेशन हो जाता था कि हमें उस पर बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चेक करता रहेगा, यहां मैं कुछ भी अपडेट करके भेजूंगा वो अपने आप उसको उठा लेगा और खुद के ऊपर अप्लाई कर लेगा। ये एक कॉन्सेप्ट था। तो यहां पे रेसिपी होती थी नाइफ के थ्रू, ये सारा हम काम करते थे। अब यहां पे ना कई सारे मसले थे। पहला कि यहां पे कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा थी, क्योंकि एक तो आपने रेसिपी लिखनी है रूबी लैंग्वेज में और रूबी उतना इजी नहीं है, ठीक है। तो रूबी को थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, जितना मैंने बताया उतना आप सीख गए होंगे, बट उससे ज्यादा आपको अभी नहीं आता होगा। बिल्कुल सही बात है, वो प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। तो रूबी आपको यहाँ पे थोड़ी सी सीखनी पड़ी, आपको मैंने सिखाई थी थोड़ी बहुत, आपने रूबी पे काम किया। अब यहाँ पे वर्क स्टेशन भी है, सर्वर भी है, नोड भी है, यानी बीच में चीजें कई सारी हैं। वर्क स्टेशन डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर रहा, वो सर्वर से बात करेगा, सर्वर इनके साथ, सर्वर क्लाइंट के साथ बात करेगा, क्लाइंट ओहाई के साथ बात करेगा। एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, समझ आ रही है आपको बात। और ये किस मैकेनिज्म पे काम करता था? पुल मैकेनिज्म पे काम करता था, पुल मैकेनिज्म। ये मैं सारी चीजें किसकी बता रहा हूं, ये किस चीज का आर्किटेक्चर है, एंसिबल नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ये मैं शेफ के बारे में बता रहा हूं आपको। शेफ में ऐसा होता था, पुल मैकेनिज्म होता था, यानी शेफ क्लाइंट खुद जाएगा और चीज को उठा के लाएगा, जो भी अपडेटेड है उसको उठा के लाएगा, पुल करके लाएगा। पुल मतलब उठाना होता है और पुश मतलब धक्का देना होता है, समझ आ रही है बात। तो ये उठा के ला रहा है गरीब आदमी, ये उठा के ले आया, इसने यहां पे उसको अपडेट कर दिया। एंसिबल क्या है, ये आलसी बंदा है, ये उतना एक्टिव नहीं है कि बार बार जाएगा, मेरे बस की तो नहीं है बार बार जाना और पूछना सर काम है तो बता दें आप मैं कर दूंगा। ओ भाई खुद आ जा तेरे पास, तेरे को काम कराना है तो तू आना मेरे पास काम कराने। मैक्सिमम कंपनी में ऐसा ही होता है। तो ये एंसिबल जो है ना, ये हमारी तरह का बंदा है, ये उतना एक्टिव बंदा नहीं है, ठीक है। अब या ये कह लें इसको बेचारे को नौकरी की बहुत जरूरत है तो ये इसीलिए अपने बॉस के पास बार बार जाता है, ठीक है। और हमारे जैसे बंदे को यार ठीक है मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, चले मैं आपको गलत बात नहीं सिखाऊंगा। चले अच्छी बात है। तो आप जो है शेफ आप समझ आ गया। अब मैं बात करता हूं कि भैया एंसिबल में क्या होता है, ठीक है। एंसिबल के अंदर आपके पास एक एंसिबल सर्वर होता है, आप इसे कह लें एंसिबल सर्वर, और ये एंसिबल सर्वर डायरेक्ट कनेक्ट होता है नोड से, यानी यहां पे ये बीच वाला जो एक मीडिएटर है वो खत्म, सर्वर डायरेक्ट बात करेगा नोड के साथ। ये मेरी नोड वन है, नोड मतलब वही सर्वर जिन्हें आपको कॉन्फ़िगर करना है। ये मेरा नोड टू है और ये मेरा नोड थ्री है। बात समझ आ रही है आपको? समझ आ रही? चाय वाय पी लो कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा तसल्ली के साथ पढ़े, ठीक है। तो एंसिबल सर्वर नोड वन, नोड टू, नोड थ्री, तो तीनों चीजें यहां पे आ गई, ठीक है। अब सॉरी दोनों चीजें यहां पे नजर आ रही हैं, यानी ये बीच वाली चीज हट गई, ये सर्वर यहां पे है बट वर्क स्टेशन नाम की कोई चीज यहां पे नहीं है। सर्वर डायरेक्ट पुश करेगा, सर्वर को जो कुछ भेजना है वो डायरेक्ट पुश कर देगा यहां पे, ठीक है। कोई भी अपडेट भेजना है सब पे अपने आप कर देगा। तो यहां आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये 100% ऑटोमेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पुश कर रहा है, ये अपने आप आके नहीं उठा रहा, तो ये पुश कर रहा है, सर्वर पुश कर रहा है, ठीक है। तो 100% ऑटोमेशन तो इसको आप नहीं कह सकते, बट यस इसके फायदे बहुत सारे हैं, ठीक है। एक तो बीच का ओवरहेड खत्म हो गया, बीच में जो एक एक्स्ट्रा चीज थी शेफ सर्वर नाम की वो हट गई, या आप ये कह लें वर्क स्टेशन नाम की एक चीज हट गई, अब ये वाला सिनेरियो हट गया। दूसरी बात, यहां पे आपने रूबी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, यहां आप इस्तेमाल करेंगे YAML। अब ये क्या होता है जी, इसकी मतलब होता है येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज। अब ये जी बड़ी आसान लैंग्वेज है, इसको ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज कहते हैं, जिसे इंसान बड़ी आसानी से पढ़ सकता है, ह्यूमन रीडेबल। ये इतनी आसान है कि इसमें कुछ भी सिंटैक्स विंटैक्स नाम की चीज ही नहीं है, सीधा लोकेशन इंडिया, नेम भूपिंदर, या आपने आईपी आईपी दे दो, मतलब बड़ी सिंपल सिंपल टर्म में लिखी होती हैं चीजें, किसी को भी समझ आ जाएंगी, एक नॉन टेक्निकल बंदा भी समझ सकता है। तो यहां पे हम YAML का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ईजी है इन कंपेरिजन टू रूबी। एक एडवांटेज हो गया। सेकेंड एडवांटेज इज Ansible is agentless। इंटरव्यू में भैया जरूर बता देना अगर कभी पूछा जाए, अगर ये चीज बताना भूल गए तो फिर थोड़ा मसला है, क्योंकि वो ये चीज देखेगा तो
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, एंसिबल इज एजेंटलेस। एजेंटलेस मतलब यहां शेफ क्लाइंट जैसे हमने इंस्टॉल करना पड़ता था सभी नोट्स के ऊपर, यहां किसी एजेंट को इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। नोट के ऊपर किसी तरह का कोई एजेंट आपने इंस्टॉल नहीं करना है या जो इससे कॉम्युनिकेट करेगा, एजेंटलेस है, एजेंट का मसला ही खत्म। ओहाई नाम की कोई चीज नहीं है, एजेंट नाम की कोई चीज नहीं है, तो ये एजेंटलेस है, ये बात आपने याद रखी। यानी शेफ क्लाइंट नाम, जैसे शेफ में शेफ क्लाइंट होता था, यहां ऐसा कोई एंसिबल क्लाइंट नाम का आपको टूल यहां पे इंस्टॉल नहीं करना है नोट्स के ऊपर, ठीक है, एजेंटलेस है। फिर ये बात कैसे करेगा, ये डायरेक्ट बात करेगा SSH के थ्रू। ओके, SSH क्या है आपको पता है, लिनक्स के ऊपर कम्युनिकेट करने के लिए हम SSH का इस्तेमाल करते हैं, उसी SSH के थ्रू ये नोट से कम्युनिकेट करेगा। इससे इजी क्या होगा, सिंपल SSH के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ये इसका एक बड़ा एडवांटेज है कि आप SSH के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये एजेंट लेस है, ठीक है। इसके बाद यहां पे हम लोग रेसिपी का इस्तेमाल करते हैं, जिस जहां हम अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं या कोड लिखते हैं उसे हम क्या कहते थे शेफ के अंदर, रेसिपी कहते थे। एंसिबल में उस चीज को क्या कहा जाता है, जहां आप अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं उसको कहा जाता है प्लेबुक। क्या कहा जाता है, प्लेबुक, ठीक है। तो यहां उस चीज को रेसिपी कहते हैं, यहां उस चीज को प्लेबुक कहते हैं। अब जहां पे रेसिपी रखी जाती है उसे कुकबुक कहा जाता है, पर जहां पे प्लेबुक रखी जाती है उसे कुछ नहीं कहा जाता, ठीक है, उसके लिए एज सच कोई टर्म नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक टर्म जरूर आती है मॉड्यूल्स, बट मॉड्यूल्स का मतलब कुकबुक नहीं है, मॉड्यूल्स का मतलब ऐसा नहीं है कि कुकबुक से कंपेयर करें आप उसको, ठीक है। यहाँ पे रिसोर्सेज होता है, रिसोर्सेज को आप कंपेयर कर सकते हैं मॉड्यूल्स के साथ, ठीक है। मॉड्यूल्स क्या होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा डिटेल में, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब जरा मैं एंसिबल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेता हूं। Ansible के advantages की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी advantages की यही है कि Ansible is free for everyone। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर ये free नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, जो इसके enterprise version है, जो Red Hat ने निकाला हुआ है, जिसे Ansible Tower कहते हैं, जो कि एक framework है, वो paid है, उसके लिए $10,000 आपको साल के देने पड़ते हैं, जिसमें आपको 100 नोड का सपोर्ट मिलता है, 100 नोड पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट अगर आप नॉर्मल एंसिबल जो हम यूज करेंगे वो फ्री टू एवरीवन है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप वही एंसिबल टावर का ही इस्तेमाल करें, आप नॉर्मल एंसिबल जो CLI बेस्ड होता है आप उसे फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये इसका एक एडवांटेज है। दूसरा, इट इज वेरी कंसिस्टेंट एंड लाइट वेट। लाइट वेट का मतलब यह है कि इसका पैकेज या जो टूल होता है एंसिबल, वो बहुत कम स्पेस लेता है, जिसकी वजह से ये लाइट वेट कहलाता है। ये इसका जो साइज होता है MB में जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, और ये लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है, और बहुत स्टेबल भी है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं है कि आपने क्लाइंट भी इंस्टॉल करना है, आपने बूट स्ट्रैपिंग करनी है, आपने एक शेफ सर्वर बनाना है, उस शेफ सर्वर के साथ भी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है, फिर आपने वर्क स्टेशन से शेफ सर्वर पे अपलोड करनी है कुकबुक, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इट इज वेरी इजी और नो कंस्ट्रेंट, कोई कंस्ट्रेंट यहाँ पे नहीं है किस चीज का, रिगार्डिंग OS एंड अंडरलाइंग हार्डवेयर। किसी भी OS पे आप इसे चला सकते हैं, लिनक्स पे चला सकते हैं, CentOS पे, Ubuntu पे, किसी पर भी आप चला सकते हैं, ठीक है। इट इज वेरी सिक्योर ड्यू टू इट्स एजेंट लेस कैपेबिलिटीज एंड ओपन SSH सिक्योरिटी फीचर। देखिए, SSH को हमेशा बहुत ज्यादा सिक्योर माना जाता है, SSH के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है वो हाईली सिक्योर कम्युनिकेशन होता है, तो यहां हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो SSH के थ्रू करते हैं, इसीलिए ये बहुत सिक्योर है। दूसरी बात, एजेंट लेस है। एजेंट लेस का मतलब है कि कोई बंदा नहीं है वहां पे, जो एक शेफ क्लाइंट हम लोग शेफ के केस में यूज करते थे एज अ एजेंट, यहां पे एजेंट नहीं है। अब ये एजेंट ना होने से फायदा क्या है, यार आप एक बात बताएं, आप अगर मैं ये कहूं कि यार आपने अपने घर की रखवाली करने के लिए एक चौकीदार रखा हुआ है, ठीक है, और एक सिनेरियो में आपके घर में कोई चौकीदार नहीं है, बट आपका घर सिक्योर है, सिक्योर ऐसे है कि वहां आसपास कोई बंदे नहीं है, या आपने वो दीवारें बहुत ऊंची ऊंची बनाई हुई हैं, लोहे की दीवारें बनाई हुई हैं, आप इमेजिन करें, और एक जगह आपका नॉर्मल घर है और आपने सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है। अब आप कहते हैं विच वन इज बेटर, ठीक है, या आपने जो लोहे की दीवारें बनाई हैं वहां CCTV कैमरे लगाए हैं ताकि कोई आए, कोई भी बंदा अंदर आता है तो मुझे पता चल जाए कि कोई बंदा एंटर कर रहा है। दूसरी तरफ आपने एक बंदे के भरोसे छोड़ा हुआ है, वहां पे कैमरे वैमरे नहीं है, वो बंदा वहां बैठा है।
अब हो सकता है उस बंदे की नीयत में खोट आ जाए, वो बंदा ही चोरी करवा दे आपके घर में। और ऐसा होता है, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड या बैंक के सिक्योरिटी गार्ड खुद ही बैंक में चोरी करवा देते हैं ये बता के कि कब पैसा आता है कब पैसा जाता है। तो एक्चुअली में वो एक वल्नरेबिलिटी है, एक कमजोरी है, अगर उसकी ही नीयत बिगड़ जाए तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही जो एजेंट है कहीं ना कहीं ये एक टूल है, अगर इसको हमने हैक करना या इस तक हमने अपनी रीचेबिलिटी बना ली, हैकर ने एजेंट तक पहुंचने का रास्ता निकाल लिया, तो फिर वो आपके सर्वर तक पहुंच सकता है, आपके नोट्स को खराब कर सकता है। बट अगर एजेंट होगा ही नहीं, अगर मेरे हाथ में जिम्मेदारी है, भैया मैं हूं, मैं ही अपने घर पे जाऊंगा, मैं ही आऊंगा, बाकी मैं किसी को ये जिम्मेदारी नहीं दे रहा, मैंने सीसीटीवी चारों तरफ लगा दी है, कोई कुछ भी करेगा मुझे पता चल जाएगा। तो कुछ ऐसा यहां पे आप समझें कि एजेंट लेस होने से ये एक फायदा है कि हमने वहां कोई बंदा नहीं छोड़ा हुआ, कोई ऐसा टूल नहीं डाला हुआ जिसको हैक किया जा सके, वहां कुछ है ही नहीं, हम सीधा डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे जो भी करना है। देखें, जब भी दो लोगों के दरमियान तीसरा बंदा आता है ना, बात बिगड़ जाती है, क्योंकि वो उसको कुछ कहता है और वो उसको आगे किसी और वे में बताता है। पर अगर दो बंदे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, उससे बढ़िया कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपने भी जब किसी से मोहब्बत करनी है और मोहब्बत का इजहार करना है तो डायरेक्ट करें, बीच में तीसरे को ना लाएं, नहीं तो हो सकता है वो आपके पत्ता काट दे, ठीक है। चले, अच्छी बात है, तो एजेंट नहीं रखना आपने, ठीक है, एजेंट लेस इज गुड। तो आप समझ गए ना, जैसे मोहब्बत के केस में आपने तीसरे बंदे को नहीं आने देना, यहां पे भी नहीं आने देना, डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे ना एसएसएच के थ्रू, ठीक है। Ansible does not need any special system administrator skills to install and use it. ये एक दिलचस्प बात है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको special training या programming नहीं आनी चाहिए Ansible को, Ansible पे काम करने के लिए। क्यों नहीं आनी चाहिए, मैंने आपको बताया है, जो scripting language यूज करेंगे वो क्या है, YAML, YAML। बड़ी दिलचस्प है, बड़ी आसान है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो टर्म्स अभी आपको नई लग रही हैं या आपको ये लग रहा है कि सर ने इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, डोंट वरी, आज का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें Ansible की पिक्चर क्लियर कर रहा हूं, बाकी तो अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी आनी बाकी है अगले लेक्चर्स में। तो आप एक जस्ट ओवरव्यू ले लें, आपको पता है कि आप मेरे लेक्चर देखते हैं तो एंड होते होते आपको सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। तो अभी जस्ट एक बेसिक बातें मैं कर रहा हूं। यहां पे हम पुश मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो भी मेरा Ansible सर्वर पे है, मेरा Ansible सर्वर जो है उसको पुश करेगा फोर्सफुली कि जाओ और इसको अपडेट कर दो। यानी हम अपडेट करेंगे जब हम चाहते हैं, हम पुश करेंगे, हम खुद से पुश कर रहे हैं उसको फोर्सफुली कि ये अपडेट इन पे कर दो, ठीक है। वो आके नहीं पूछेगा, जब हम चाहेंगे तब काम होगा, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं होगा, हमारे अकॉर्डिंग होगा, जब हम अपडेट करना चाहेंगे अपडेट तभी होगा। तो दैट इज अ पुश मैकेनिज्म जो हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं, और अगेन इसमें ओवरहेड बहुत कम है क्योंकि वो बार बार हमारे पास आएगा तो कहीं ना कहीं वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। इससे बेहतर ये कि जब मेरे पास अपडेट हो मैं खुद उनको अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर दूं, मैं दो घंटे बाद अपडेट करना चाहता हूं दो घंटे बाद करूंगा, मैं एक पीरियोडिकली उनको अपडेट करना चाहता हूं पीरियोडिकली उन पे अपडेट्स भेजूंगा कि ठीक है दिन भर में जितना भी काम अपडेट हो रहा है या जो भी चीजें आ रही हैं वो रात को 12 बजे अपडेट कर दिया करो इन पे। तो दैट इज अ पुश मैकेनिज्म जो हम यहां लगा सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो कोई बहुत बड़ी डिसएडवांटेज इसकी नहीं है, बट मैंने आपको बताया कि ये नया है, नए होने की वजह से क्या है, इसकी कम्युनिटी छोटी है, बहुत कम लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जब कम लोग इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉब्लम्स भी कम निकल के आएंगी, जब ज्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉब्लम्स भी ज्यादा निकल के आएंगी और उसको ज्यादा डीप में जाने का मौका मिलेगा, खुद को सुधारने का मौका मिलेगा, रेड हैट उसमें नए नए अपडेट्स लेके आएगा, कम्युनिटी के लोग उस पर नए नए अपडेट्स लेकर आएंगे। तो अभी क्योंकि ये एक नया टूल है, इसके अपडेट्स या आप ये कहें इसकी डॉक्यूमेंटेशन या इसके सॉल्यूशंस कम है और इस पे बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं हुआ है, बट ऑफ कोर्स ये इंडस्ट्री में चल रहा है और एक अच्छा खासा टूल बन चुका है, एक स्टैंडर्ड बन चुका है। बट यस, थोड़ा सा मैच्योर होने में इसको टाइम लगेगा, ये अभी अपनी अर्ली स्टेज में है, आप ऐसा कह सकते हैं। इनसफिशियंट यूजर इंटरफेस, दो Ansible टावर इज GUI बट इट इज स्टिल इन डेवलपमेंट स्टेज। इसका जो यूजर इंटरफेस है इनसफिशियंट इसलिए कहा गया क्योंकि अभी इस पर काम चल रहा है। Ansible टावर बहुत अच्छा है, Red Hat ने उस पर बहुत सारा काम कर दिया, बट स्टिल अभी वो CLI के कंपैरिजन में, जो मैं CLI मैं जो आपको करके दिखाऊंगा वो CLI के थ्रू करके दिखाऊंगा, वही काम आप Ansible टावर के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन सारा काम Ansible टावर के थ्रू अभी भी नहीं हो सकता। अभी भी ऑलमोस्ट 85% काम आप Ansible टावर के थ्रू कर सकते हैं। अगर यहां मैं 100% काम कर सकता हूं तो उसका 85% टावर के थ्रू हो जाएगा, 15% फिर भी CLI के थ्रू करना पड़ेगा, तो अभी उस पर काम होना बाकी है। Ansible टावर का फायदा ही है ये GUI है, यहां पे सिंपली क्लिक करना है, ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है, पुश कर देगा, नोटिफिकेशंस दे देगा, अपडेट कर देगा, कमांड वमांड की जरूरत ही नहीं है। तो ये बहुत इजी और बहुत दिलचस्प है, बट वही मैंने बताया कि अभी इस पर थोड़ा वर्कआउट करना रह गया है क्योंकि 85% काम आप इसके थ्रू कर सकते हैं, 15% फिर भी CLI के थ्रू ही करना पड़ेगा। चलें,
दूसरी बात, कैन नॉट अचीव फुल ऑटोमेशन। फुल ऑटोमेशन क्यों नहीं अचीव हो सकता? क्योंकि देखिए वैसे तो ऑटोमेशन पूरा है, बट कहीं ना कहीं आप पुश कर रहे हैं, यानी आप इन्वॉल्व हैं। वो अपने आप आपसे चीजें नहीं ले रहा, आपने पुश करनी है, आपने उनको बताना है, तो फिर ऑटोमेशन फुल्ली नहीं है, यानी कहीं ना कहीं हम उसको बता रहे हैं। तो इसीलिए ये चीज यहां पर लिखी है, ऑल्दो इट्स अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, और यहां पे ऑटोमेशन है, कहीं ना कहीं ऑटोमेशन पूरा है, बट ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा हमारा सर्वर इन्वॉल्व है जो मैनुअली उसको पुश कर रहा है, तो दैट इज हमने ये पॉइंट लिखा है। तो ऑल्दो ये एक ऑटोमेटेड टूल है, नो नॉट एन इशू। New to the market, therefore limited support and document is available. तो नया होने की वजह से इसकी documentation कम है, इसका support जो है Red Hat के through वो भी उतना अच्छा या उतना mature अभी नहीं हुआ है, but वक्त के साथ साथ ऑफ कोर्स ये हो जाएगा। तो तब तक अगर ये लेक्चर्स हम जब सारे पढ़ लेंगे तो हमारी बुनियाद इतनी मजबूत हो जाएगी कि जब आने वाले वक्त में ये अपडेट होगा तो हमारे को वो सारी चीजें समझना बेहद आसान हो चुका होगा। अब मैं आपको कुछ टर्म्स लिखवा देता हूं एंसिबल से रिलेटेड, उनको डिस्कस मैं अभी नहीं करूंगा। रीजन ये है कि उन सभी टर्म्स को हम अपने आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। लिखवाने का पर्पज ये है कि वो डेफिनेशंस आप अभी लिख लें ताकि फ्यूचर में जब हम उन टॉपिक्स को पढ़ें तब वो पॉइंट आप दोबारा आके देखें, आपको समझ आ जाएंगे। तो मैं जस्ट अभी आपको लिखवा देता हूं सो दैट नेक्स्ट टाइम जब कभी उसका जिक्र आए तो आपको वो नई चीज ना लगे, तो मैं वो और लिखवा देता हूं आपको। अब ये वो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कहीं ना कहीं अभी जब आने वाले लेक्चर्स में हमें इनको देखना पड़ेगा, ये टर्म्स बीच में आएंगी, तो मैंने इनके बारे में कुछ लिखा है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इन्हें डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा फिलहाल, मैं सिर्फ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट डाउन कर लें। स्क्रीनशॉट से बेहतर होगा आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने नोट्स में इन सारी चीजों को लिख लें। हालांकि एक फौरी तौर पर मैं आपको हल्का सा बता देता हूं, बट क्योंकि ये सारी टर्म्स जो हैं इनके ऊपर पूरा एक डिटेल टॉपिक है, ये सारी टॉपिक्स के ऊपर डिटेल लैब है, तो मैं इनको बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको वैसे भी अभी समझ नहीं आएगा कुछ भी अगर मैं अभी बताऊंगा। बस एक आइडिया दे देता हूं कि क्या क्या टर्म्स हैं। एंसिबल सर्वर, इसकी बात मैं कर चुका हूं कि ये वो जगह है जहां पे से आप अपनी नोट्स पे यहां पे आप काम करके एंसिबल सर्वर के ऊपर ही आप काम करेंगे और जो भी यहां पे YAML फॉर्मेट में लिखेंगे, प्लेबुक में लिखेंगे, वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपने सपोज अपने 100 सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है, 100 सर्वर के ऊपर Ubuntu आपने इंस्टॉल करना है, तो वो आप कहां लिखेंगे, वो प्लेबुक आप कहां लिखेंगे, एंसिबल सर्वर में लिखेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि एक एंसिबल सर्वर होता है और ये फिर सब जगह पुश करता है, सारे सर्वर को यही पुश करेगा, तो जो एंसिबल सर्वर है यहां पे ही हम अब हमारी प्लेबुक लिखेंगे, जो प्लेबुक है जाकि शेफ में रेसिपी होती थी, यहां पे उसे हम क्या कहते हैं, प्लेबुक कहते हैं। तो एंसिबल सर्वर वो जगह है। मॉड्यूल की हम बात करें तो बेसिकली मॉड्यूल इज अ कमांड्स और सेट ऑफ सिमिलर कमांड्स मेंट टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन द क्लाइंट साइड। ये ना कमांड्स है, डिफाइन है ये कमांड्स, आपको क्लाउड की कमांड मिल जाएंगी, आपको और अलग अलग चीजों के लिए कमांड्स मिल जाएंगी, मॉड्यूल मिल जाएंगे। एंसिबल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है डॉक्स की, docs.ansible.com, वहां पे आपको मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, यानी प्री डिफाइंड कमांड्स हैं लिनक्स के लिए, Ubuntu के लिए, CentOS के लिए मॉड्यूल्स बने हुए हैं कि भैया इस कमांड से ये होगा, इस कमांड से ये होगा, ठीक है। तो वो मॉड्यूल्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं। टास्क क्या होता है, टास्क इज अ सेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल प्रोसीजर टू बी कंप्लीटेड। अभी इन चीजों में मैं ज्यादा नहीं जा रहा, टास्क रोल क्या होते हैं मैं ज्यादा आपको अभी नहीं बता रहा क्योंकि जब हम ये करेंगे तब ज्यादा समझ आएगा। फिर फैक्ट हमारे पास है, इंफॉर्मेशन फैच, मैं रीड इसलिए कर रहा हूं ताकि अगर कोई वर्ड आपको यहां समझ नहीं आ रहा तो वो मैं रीड करूं तो आपको समझ आ जाए कि ये लिखा हुआ है, वैसे राइटिंग मेरी ठीक ठाक है। इंफॉर्मेशन फैच फ्रॉम द क्लाइंट सिस्टम फ्रॉम द ग्लोबल वेरिएबल्स विद द गैदर फैक्ट ऑपरेशन, ठीक है, अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। इन्वेंटरी मैं बता देता हूं थोड़ा सा, पर इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फाइल कंटेनिंग डेटा अबाउट द एंसिबल क्लाइंट सर्वर, यानी कि ये वो जगह है जहां पे हमारे कितनी नोट्स हैं, मैं कितने सर्वर कॉन्फ़िगर करने वाला हूं उनकी आईपी एड्रेस पड़ी हुई होगी ताकि मुझे ये पता चल जाए कि भैया मैं 10 सर्वर मेरे पास है, 20 सर्वर मेरे पास है। वो इंफॉर्मेशन कहां होगी, इन्वेंटरी के पास होगी। इन्वेंटरी वो जगह है जहां मुझे पता चलता है कि मैं 20 सर्वर मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, 10 सर्वर आप ऑपरेशंस के लिए बना सकते हैं, 10 सर्वर आप डेवलपर्स के लिए बना सकते हैं। तो अगर डेवलपर पे ही सिर्फ आपको कोई कोड कोई अपडेट भेजना है तो आप उस ग्रुप को स्पेसिफिक भेजेंगे, तो आप जो ग्रुप बनाएंगे उन ग्रुप्स के अंदर आप सर्वर्स रखेंगे, वो सारी चीजें कहां स्टोर होती है, इन्वेंटरी में। प्ले क्या होता है, कुछ नहीं है, आपने जो प्ले बुक चलाई है उसमें प्ले होते हैं, प्ले मतलब प्ले बुक को रन कराना, आप ऐसा समझ ले फिलहाल के लिए,
ठीक है, हैंडलर क्या होते हैं बाद में बात करेंगे, नोटिफायर क्या होते हैं बाद में बात करेंगे, प्ले बुक्स यही वो इंपॉर्टेंट है कि यहीं पर वो सारा काम आपने करना है। आपने जो भी एमएल फॉर्मेट में लिखना है वो प्ले बुक आप क्रिएट करेंगे उसमें लिखेंगे, ठीक है। होस्ट क्या होते हैं, ये वो नोड होती हैं, या होस्ट कह लो एक ही बात है, नोड कहो या होस्ट कहो, जो वो सर्वर है जहां पे मुझे अप्लाई करना है। प्लेबुक जहां पे अप्लाई होगी उसे होस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने यहां पे बनाया है ना, ये क्या है, ये होस्ट है, ठीक है। इन्हें आप होस्ट कह लो या नोड कह लो एक ही बात है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, होस्ट कहें या नोड कहें। आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, बुनियादी बातें समझ आ गई होंगी, डिटेल में जाएंगे आज तो जस्ट मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया है एंसिबल का, ताकि आपका जो डर है एंसिबल को लेके वो निकल जाए। अगली लैब में, नेक्स्ट लैब में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा लैब का, आपको एंसिबल सर्वर इंस्टॉल करना सिखाऊंगा और उसके बाद नोट्स क्रिएट करके प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखाऊंगा आपको। तो तब तक आप बने रहिएगा, कुछ थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है लेक्चर्स को आने में, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा हूँ, थोड़ा सा परेशान चल रहा हूँ। तो चले दुआ करें कि सब कुछ ठीक हो जाए जल्दी और उसके बाद हम लोग नया लेक्चर लेके आए। तो चलिए बातों किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। एक गजल के दो शेर मुझे याद आते हैं कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, खसारा मतलब नुकसान को कहते हैं। तो तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। चले, ख्याल रखें अपना और दुआओं में याद रखें।